हेलो स्टूडेंट, मैं तरुण कुमार साहू, अग्रसेन आईटीआई कांकेर, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर, ट्रेड थ्योरी से पावर जनरेशन का टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, किसे कहते हैं, ये मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो आज हम देखेंगे, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत कौन कौन से पावर प्लांट आते हैं, ठीक उसी प्रकार से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत कौन कौन से पावर प्लांट कार्यरत हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक लेके चलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आने वाले पावर प्लांट। पहले तो इनमें कौन कौन से पावर प्लांट आते हैं इनके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर हर एक वीडियो में एक एक पावर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला आज का हमारा जो टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आने वाले पावर प्लांट। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आने वाले पावर प्लांट हैं, पहला आपका जो मुख्यतः सबसे मेन होता है वो है थर्मल पावर प्लांट, जिसको तापीय ऊर्जा संयंत्र बोला जाता है, ठीक। दूसरा पावर प्लांट होता है जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है वो है हाइड्रो पावर प्लांट, फिर आपका डीजल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये मुख्यतः परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आने वाले पावर प्लांट है। इसके अलावा और भी पावर प्लांट हैं, बट ये जो चार पावर प्लांट है ये मुख्य रूप से परंपरागत सोर्स के अंतर्गत यूज़ होने वाले पावर प्लांट है जो आज के डेट में प्रचलित है, ठीक। इसी प्रकार से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आने वाले जो पावर प्लांट होते हैं वो होता है आपका सोलर पावर प्लांट, वाइंड एनर्जी पावर प्लांट, फिर जियोथर्मल पावर प्लांट, टाइडल एनर्जी पावर प्लांट, MHD, बायोमास प्लांट, इतने टाइप पावर प्लांट आज के डेट में प्रचलित हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आगे के हमारे टॉपिक जो टॉपिक चल रहा है कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में, तो जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं उसमें जो पावर प्लांट आते हैं वो विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट में कौन कौन से ईंधन यूज़ किए जाते हैं, किस पावर प्लांट में कौन से ईंधन यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसमें जो पावर प्लांट है पहले नंबर का थर्मल पावर प्लांट। तो जो थर्मल पावर प्लांट होता है जिसको हिंदी में तापी ऊर्जा संयंत्र बोलते हैं, इसमें मुख्यतः फ्यूल के रूप में कोयले का यूज़ किया जाता है, ठीक। उसी प्रकार से हाइड्रो पावर प्लांट में ईंधन के रूप में जल का यूज़ किया जाता है, डीजल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में डीजल का पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से जो हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इसमें जो पावर प्लांट्स आते हैं जैसे कि हमारा सोलर पावर प्लांट, तो सोलर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, फिर वाइंड एनर्जी जो पवन चक्की होती है, पवन चक्की पावर प्लांट जो होता है उसमें फ्यूल के रूप में एयर का उपयोग किया जाता है, वायु का उपयोग किया जाता है, ठीक। उसी प्रकार से जो तीसरा टाइप का पावर प्लांट होता है बायोमास प्लांट, तो बायोमास प्लांट में जानवरों का गोबर और जो पेड़ पौधे के अपशिष्ट बच जाते हैं उसका उपयोग किया जाता है फ्यूल के रूप में। फिर आपका जो टाइडल एनर्जी आता है उसमें समुद्र की जो लहरें उठती है, समुद्र की उठने वाली लहरों का उपयोग किया जाता है। फिर जियोथर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें फ्यूल के रूप में ज्वालामुखी क्षेत्र और गर्म जलों के झरने का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो हमारा लास्ट जो पावर प्लांट ये हम लोग यूज़ करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत वो है MHD। MHD में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिए का उपयोग करते हैं जहाँ पर हाइड्रोलिक पावर उपस्थित होता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट्स होती हैं, हर एक पावर प्लांट्स का हम लोग एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे
क्योंकि एक ही वीडियो में इन सभी पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करना या एक ही वीडियो में इन पावर प्लांट के विभिन्न भाग और उनके कार्य प्रणाली को समझना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम लोग हर एक पावर प्लांट के एक एक दिन एक एक वीडियो में एक एक पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हुए जाएंगे। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूं कि जो हमारा आईटीआई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो पावर प्लांट पढ़ने हैं कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स में, तो कन्वेंशनल सोर्स में हमारा जो पावर प्लांट का टॉपिक रहेगा अगले वीडियो में वो है थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। तो अगले वीडियो जो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा थर्मल पावर प्लांट के बारे में, जिसमें थर्मल पावर प्लांट के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसकी कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।